हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। एलके गेमर्स में आप सबका स्वागत है। श्री राम मंदिर गेम में केदारनाथ वाला गेम प्ले करेंगे। पिछले वाला गेम प्ले में मंदिर को अनलॉक किए थे और सब सू एरिया ये सब को अनलॉक किए थे, मेन गेट अनलॉक किए थे और सिक्योरिटी गार्ड है इसमें, इसको भी अनलॉक किए थे। इस बार देखते हैं क्या क्या अनलॉक कर सकते हैं। पहले टेम्पल को अपग्रेड किए है, पीछे में एक बड़ा सा पत्थर ऐड हुआ है और देखते हैं क्या ऐड होता है। और एक बार अपग्रेड हो रहा है, देखते हैं आप क्या ऐड होता है मंदिर में। वो भाई सामने फूल ऐड हुआ है, मंदिर सज गया फूल से। अब जाके वो बड़ा सा पत्थर देखते हैं देखने में कैसा लगता है। वो भाई नज़र नहीं आ रहा, इस तरह से देखते हैं चढ़ पाते हैं नहीं चढ़ पा रहे हैं इसके ऊपर, थोड़ा इस साइड से देख लेते हैं। वो भाई बड़ा सा पत्थर है और इसमें बर्फ भी है। अब इसको छोड़ते हैं, इस तरफ आते हैं। भाई मंदिर के अंदर नहीं जाना था, मंदिर के अंदर आ गए, थोड़ा बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कौन सा चीज़ को अनलॉक करने बोल रहा है। तो भाई पिछले वाला गेम प्ले में फल और फूल का एक तरफ का दुकान है, इसको अनलॉक किए थे। इसमें अभी हेल्पर है नहीं, इसमें भी हेल्पर ऐड करेंगे। अभी जाते हैं उस तरफ, देखते हैं। ये भाई एक कपड़ा वाला मार्केट है, मतलब एरिया दुकान, इसको भी अनलॉक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले इस तरफ देखते हैं क्या है। भाई जूते है, इसको अनलॉक करते हैं, हो गया। इस तरफ देखते हैं क्या निकलता है। इसमें टोपी अनलॉक हुआ है, अब इसमें शायद जैकेट अनलॉक होगा, देखते हैं। इसको भी अनलॉक कर देते हैं, हो गया है भाई। जैकेट टोपी और जूते अनलॉक हुआ है। भक्त सब आएंगे, ये बर्फीला जगह है बोल के उन लोगों के लिए बर्फीला वाला जैकेट टोपी और जूते है। अरे भाई इस तरफ का गेट बंद है, इस तरफ से निकल जाते हैं। अरे यहाँ क्या है देख लेते हैं। भंडारा घर है, इसको भी अनलॉक कर देते हैं। चलो हो गया अनलॉक। अब देखते हैं यहाँ क्या है, चार पहिए, देखते हैं चार पहिए क्या है, कौन सा टेबल अनलॉक होता है। भंडारा घर है तो टेबल ही अनलॉक होगा, देखते हैं क्या है। वो भाई ये तो खटिया अनलॉक हुआ है, यहाँ भी है कुछ, उसको बाद में अनलॉक करेंगे, पहले ये सब चीज़ को अनलॉक कर देते हैं। चलो भाई भंडारा का सब सामान आ गया है, बड़ा बड़ा गमला पतीला उसी में सब भोग है। ये सब चार पहिए को अनलॉक कर देते हैं, उसके बाद हेल्पर ऐड करना है। अभी हेल्पर देख लेते हैं, 400, देखते हैं कहां पर हेल्पर ऐड होता है। पहले भाई लग तो रहा है माने जैकेट वाला स्टोर में ऐड हुआ है, और देख लेते हैं आप सिक्योरिटी गार्ड वाला। हाँ भाई यहां भी ऐड हो गया है, और देखते हैं हेल्पर और कहां कहां ऐड होता है। और देखते हैं हेल्पर, चलो इसको भी क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ है। वो भाई हो रहा है कहीं भी, बाद में देखेंगे जा के सब जगह हेल्पर ऐड हुआ है कि नहीं। अरे भाई तो भूख आ गया है हाथ में, इसको हटा देते हाथ से, उसके बाद हेल्पर सबको ऐड करते हैं। यहाँ क्या है कैपेसिटी, चलो हेल्पर का थोड़ा ही सबको इंक्रीज कर देते हैं। चलो पहले 200 नीचे वाला, और एक बार देख लेते हैं स्पीड है कैपेसिटी है। चलो पहले कैपेसिटी वाला, चलो और थोड़ा बढ़ा देते हैं, 500, 600, 700, 800, 1000, 1100, बस अब छोड़ देते हैं। अब देख लेते हैं चारों तरफ हेल्पर ऐड हुआ है कि नहीं। यहाँ पर हेल्पर ऐड हो गया है कपड़ा वाला जगह में, और देखते हैं भाई फल और फूल का यहाँ हेल्पर ऐड हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ है, यहाँ ऐड कर देते हैं। आ गया नहीं है, हाँ आ गया है। ओ भाई तो सू एरिया में हुआ है, फल वाला में नहीं हुआ है, देख लेते हैं कहाँ पर है। चलो और एक सू एरिया में ऐड होगा, हो गया है। अब फल वाला जगह में देख लेते हैं भाई कहाँ है, हाँ मिल गया है, ऐड करते हैं 350 से, हो गया है 350 फूल लगा।
और देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, सू एरिया में भी है हेल्पर। आप एक बार सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ भी देख लेते हैं। और दोस्तों गेम प्ले अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस गेम प्ले में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट गेम प्ले में देखेंगे और क्या क्या चीज़ अनलॉक होता है या अनलॉक कर सकते हैं।